बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल हम लोगों ने बिजनेस के बारे में देखा था, हमने अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन देखी थी, हमने ये देखा था कि आपका जो क्या कहते हैं सिलेबस है उसमें आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों के साथ एक कोर्स कवरेज प्लान हम टीचर्स बनाते हैं, ठीक है। सीसीपी को कहते हैं, कोर्स कवरेज प्लान है, और फिर उसी तरह का एक टेस्ट प्लान भी हम बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम इस चीज को डिटेल करते हैं कि हमने किस ऑर्डर में टॉपिक्स को कवर करना है और हमें कितना टाइम लगेगा। उस्माना, पहले मुझे बता दो, पहली दफा पढ़ रहे हो इंट्रो, मतलब अकाउंटिंग पहली दफा पढ़ रहे हो, या बैकग्राउंड है इसका? अगर आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम आती है तो अपना थोड़े टाइम के लिए माइक ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइम पढ़े, चले ठीक है। तो इंट्रो जो है उसके अंदर सिलेबस में थोड़ा चेंज आया है, वो मैंने कल मेंशन कर दिया था, ठीक है। पार्टनरशिप्स में आपका चेंज आया है सिलेबस में, चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर इज नॉट इन योर सिलेबस एनी मोर, ठीक है। तो जैसा वो रिटायरमेंट एडमिशन वो सब आपने पढ़ा होगा, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है अब, राइट, ठीक है जी। और इसके अलावा जो चेंज आया वो थोड़ा बहुत वेटेज में आया, लेकिन उसके अलावा कोई और मटेरियल चेंज नहीं आया, राइट। अब हम बात करते हैं, मैंने कल आप लोगों को सोल ट्रेडर के बारे में जो मेन फीचर्स थे उसके, वो मैंने आपको लिस्ट डाउन कर दिए। इंशाल्लाह आज मैं एक डॉक्यूमेंट आपके एलएमएस पे, जो लिंक है जहां पे से आपको ये वीडियो की लिंक मिलती है और सारा डेटा वगैरह आपको अवेलेबल होता है, वहां पे मैं एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दूंगी। वो होगा आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज का, ये जो आज अभी का एक किस्म का निचोड़, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अभी हमारी बारी आती है पार्टनरशिप्स की। अब पार्टनरशिप्स के जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? नंबर वन, एक तो ये, देयर इज मोर देन वन ओनर, ठीक है, और इसमें आपके पास लॉ के हिसाब से जो कैप है, यानी कि मैक्सिमम फिर कितने ओनर्स होने चाहिए, 20, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप कंसर्न में दो से स्टार्ट हो सकते हैं पार्टनर्स, और दे कैन रीच अप टू 20, राइट। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा, कुछ चीजें बिल्कुल सिमिलर है ऑब्वियसली से सोल ट्रेडर से, जिसमें हम क्या कहते हैं, ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिलोंग टू दी पार्टनर्स। यहाँ पे जो ओनर्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पार्टनर्स, ठीक है। अब नाम उसका, उनका टर्म जो है अब वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट। अब जिस तरह से सोल ट्रेडर में क्या होता था, सारे एसेट्स किसको बिलोंग होते थे? ओनर को। इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, ऑल एसेट्स बिलोंग टू द पार्टनर्स, ठीक है। फिर हम थोड़ी सी टेक्निकल बातों पर आ जाते हैं जो हमने कल की थी। कल हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वैसे हर तीनों किस्मों के, तीनों टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज पे अप्लाई होगा, राइट। तो हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप जो कंसर्न है, जो बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस एंड द पार्टनर्स आर सेपरेट एंटिटीज, यानी कि दोनों के अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो अलग अलग आपके मेंटेन होने, आपने दोनों को मिक्सअप नहीं करना। कल हमने फिर एक और चीज पढ़ी थी, ये आपका वही है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही है। फिर कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट अगेन क्या वो कहता है, लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट, सॉरी अनलिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट, वो ये कहता है कि आपके जो ओनर्स हैं उनकी क्या है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी के पार्टनर आर पर्सनली लायबल फॉर एनी अनपेड डेट एंड ऑब्लिगेशन
ऑफ द बिजनेस, यानी कोई अगर कोई सप्लायर आ जाता है पैसे मांगने के लिए और बिजनेस का बैंक अकाउंट खाली पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे कि जी पार्टनर्स को अब अपना पर्सनल बैंक अकाउंट यूज करना पड़ेगा, उसके थ्रू उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसको हम कहेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। कोई कोई लिमिट नहीं है कि उनके उनसे हम कितना पैसा निकलवा सकते हैं, पर्सनल पैसा उनका कितना यूज अप हो सकता है बिजनेस के पर्पजेस के लिए, तो उसको हम कहेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। राइट, क्लियर है बात उस्मान? ऑल द पार्टनर्स हैव टू पे, ठीक है? ऑल द पार्टनर्स, इधर मैंने ये नहीं लिखा कि कुछ सम पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल। अब वो किस तरह से पर्सनली लायबल होंगे, वो फिर आप इंशाल्लाह जब हम पार्टनरशिप कर रहे होंगे ना, तो उसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट, तो उनका जो PSR होगा उसके हिसाब से, जिसमें अगर फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का कोई सप्लायर आया और उस वो डिमांड कर रहा है कि जी मुझे ना बिजनेस बिजनेस की एक डील ली थी 1 million rupees की, जब हमने बिजनेस का बैंक अकाउंट देखा तो वो खाली पड़ा हुआ था, तो अब क्या होगा? वो पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल अगर दो पार्टनर्स हैं और दोनों के दरमियान अग्री हुआ है कि हम हमारा शेयर बिजनेस में कितना है 50-50, इसको PSR कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। राइट, तो अगर उन दोनों के दरमियान अग्रीड है, मिस्टर ए और मिस्टर बी का हिस्सा जो है वो 50-50 है बिजनेस में, तो ए को कितना लाने पड़ेंगे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से 5 lakh और बी को भी 5 lakh। राइट, तो इस तरीके से ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑब्वियसली, ठीक है? अनलेस कि ऑब्वियसली अग्रीमेंट ऐसी कोई हुई हुई हो कि जिसमें किसी पार्टनर को उन्होंने निकाला उसमें से, लेकिन दैट इज वेरी रेयर, ठीक है? वो स्पेसिफिक सिनेरियोज ही है। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, फिर आपके पास एक नई चीज यहाँ पे हमने पढ़नी है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। इसके लिए हम जरा पार्टनरशिप की जो है वो डेफिनेशन अब देखते हैं, ठीक है? हमने पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन नहीं देखी थी, अब हमारे पास ये टाइम आ गया कि अब हम उसको ठीक तरीके से देखें। अच्छा जी, आपके पास ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है स्टडी टेक्स्ट के पेज नंबर 4 पे, याद करनी है, ठीक है? पार्टनरशिप के बारे में क्या कहा जाता है? रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. तो ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, अगर उर्दू में हम इसको देखें तो ये क्या कह रहा है कि ऐसा एक एसोसिएशन है, ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन, पर्सन से मुराद क्या हो गई? एक से ज्यादा, राइट? जिन्होंने इस बात की कोई एग्रीमेंट की हुई है कि हम मुनाफा या ऑब्वियसली खसारा, लॉस, प्रॉफिट का, प्रॉफिट के साथ फिर हम लॉस को भी, एक अंडरलाइन अजम्पशन होती है कि भाई लॉस भी इसमें शामिल हो सकता है, तो शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस जो के सारे लोग चलाते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, ऐसा बिजनेस जो सारे पार्टनर, सारे ओनर्स चला रहे हो, या Any one of them acting for all. ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है? इसका जो यहाँ पे मैं मिसप्रिंट, और हाँ, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल लिखा हुआ है, ठीक है? ये लिखा हुआ है, कैरिड ऑन बाय ऑल, जो कि सारे पार्टनर्स चला रहे हो, या उन पार्टनर्स में से कोई एक भी वो बिजनेस चला रहा हो एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपके पास अगर 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ठीक है? तो अगर आपके पास ये 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, पार्टनर होने का मतलब क्या है कि मिस्टर ए ने भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मिस्टर बी ने भी किया हुआ है, मिस्टर सी ने भी किया हुआ है, यानी कि इन तीनों ने मिलकर सोचा कि हम एक बिजनेस शुरू करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और बी ये क्या है? ये अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है? मिस्टर सी कहां पर है? मिस्टर सी अपने पार्टनरशिप के ऑफिस में बैठे हुए हैं, बिजनेस के ऑफिस में बैठे हुए हैं। मिस्टर सी क्या करते हैं? मिस्टर सी जो है एक सप्लायर है, उससे एक डील कराते हैं, ठीक है? और उससे डील कराते हैं कितने रुपए की? 10 million rupees की। मतलब डील करने का मुराद है कि वो मिस्टर सप्लायर से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप मुझे 10 million rupees का की इन्वेंट्री या गुड्स वगैरह प्रोवाइड करोगे, ठीक है?
तो सप्लायर को उन्होंने अग्रीमेंट कर ली, सप्लायर ने कहा ठीक है मैं कल आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगा सामान लेके, आपने मुझे कल ही 10 मिलियन रुपीज मेरे हाथ में पकड़ाने। मिस्टर सी कहेंगे ठीक है, मिस्टर ए और बी कहाँ बैठे हुए, मिस्टर ए और बी अपने घर में बैठे हुए, उनको कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, अगले दिन मिस्टर सी घर पे होते हैं और मिस्टर ए और बी पहुंचे हुए होते हैं ऑफिस में। जब ये लोग बैठे हुए होते हैं ऑफिस में तो ये सप्लायर आ जाता है सामान लेके। ठीक है, याद रखिएगा मिस्टर ए और बी को अभी कुछ पता ही नहीं है इस डील के बारे में। सप्लायर आ जाता है सामान लेके और वो मिस्टर ए और बी से डिमांड करता है कि मुझे ये सामान पकड़े और मुझे मेरे 10 मिलियन रुपीज दे। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ये नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था, हमारे से तो आपकी कोई बात नहीं हुई, वो तो मिस्टर सी से बात हुई है, तो हम तो इस अग्रीमेंट को नहीं मानते, मिस्टर सी ने हमारे बगैर ही अग्रीमेंट कर ली, हमें उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर ये अंडरलाइन फीचर होता है कि क्या हुआ, आपके एक पार्टनर ने जो एक्टिविटी की, आपके एक पार्टनर ने जो काम किया, वो लीगली बाइंडिंग होगा बाकी पार्टनर्स के ऊपर भी। इज दैट क्लियर? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। क्या मतलब हुआ, एजेंट होते हैं ना, जैसे हम देखते हैं सेलिब्रिटीज वगैरह के एजेंट होते हैं, राइट? एजेंट क्या कर रहे होते हैं, वो उनके बिहाफ पे आके स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, उनके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। तो जो एजेंट कोई काम करता है तो हम क्या कहते हैं, इसका मतलब है कि जिसका बॉस था, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं प्रिंसिपल, इसका मतलब ये कि इसका जो बॉस था ना एजेंट का, वो भी इस काम को मानता है। मतलब वो उस एजेंट कोई काम करे, हम कहते हैं कि जिसना ये उसके बॉस ने काम किया। ठीक है, तो एजेंट होना, एजेंट रखने का मतलब क्या होता है कि भाई आप उसके थ्रू अपना, मतलब वो जो काम कर रहा है ना, वो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर उस्मान? ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे मिस्टर सी ने जो काम किया ना, वो पूरी पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मिस्टर सी अग्रीमेंट अगर कर रहे हैं और मिस्टर ए और बी को नहीं पता, तो उससे तीसरी पार्टी का कोई गर्ज नहीं है, वो तो यही कहेगी ना कि भाई पार्टनरशिप में तो यही अंडरलाइन फीचर है, मिस्टर सी तो आप दोनों को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, मिस्टर सी तीन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए बी और मिस्टर सी खुद को, राइट? तो ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। इज दैट क्लियर जी उस्मान? क्लियर है बात? तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और उसमें आपसे वो पूछते हैं कि भाई बताओ इसमें क्या होगा, वैसे तो ये थोड़ा लीगल साइड पे एक चीज आ जाती है, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? कि एक पार्टनर कोई एक गलत हरकत करे और जी बाकी दोनों भी, बाकी तीन चार जितने भी पार्टनर्स हैं वो भी उसकी वजह से, उनके ऊपर केस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सी ने कुछ गलत सेल कर दी कोई चीज किसी कस्टमर को, और उस कस्टमर को जो है उस प्रोडक्ट से कोई नुकसान वगैरह हो गया, तो अब वो आके मिस्टर ए और बी को भी आड़े हाथों लेगा, राइट? यू अंडरस्टैंड, आड़े हाथों लेना, राइट? वो कि वो उनको मिस्टर ए बी और मिस्टर सी तीनों को वो सू कर सकता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर सी ने जो उसको चीज बेची है वो रिप्रेजेंट करता है पूरे बिजनेस को, राइट? तो उसको ऐसी ट्रीट करेंगे जैसे तीनों ने मिलके वो खराब चीज कस्टमर को सेल की। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा उस्मान देखो, पार्टनरशिप बिजनेस, ये जो रजिस्ट्रेशन वाली बात है ना, ये फिर थोड़ा लॉ की उसमें जुमरे में आ जाता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग से इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। आपके पास जो पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं ना, बेसिकली जैसा सोल ट्रेडर में तो कोई ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं होती। ठीक है, उसमें कोई इतनी आपको कोई लॉ वगैरह इतना फॉलो नहीं करना पड़ता। ये बात मैं बता देती हूँ, पार्टनरशिप्स के लिए आपके पास पाकिस्तान में एक लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट के नाम से। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट। अब इस लॉ में एक किस्म का, जिसमें हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ होता है, लीगली बाइंडिंग एक बुक है जिसमें सारे रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो इस पार्टनरशिप एक्ट के तहत कुछ सिनेरियोज में आपको अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना पड़ता है अथॉरिटीज के साथ। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म्स रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई रजिस्टर्ड फर्म है तो उसको क्या करना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली
फॉलो करने हैं, ठीक है। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो बेसिकली होता क्या है, सारे पार्टनर्स, अब जाहिर सी बात है, देखें ये बात भी मैं अभी करने वाली थी कि आपके पास एक से ज्यादा जहां पे लोग होते हैं ना, वहां पे मसले मसाइल के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स बढ़ जाती है, राइट। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले मिस्टर ए और मिस्टर बी ने ये डिसाइड किया था कि हम हर चीज में हमारा 50-50 हिस्सा होगा, राइट, और आगे जाके फॉर एग्जाम्पल एक साल गुजरने के बाद जब प्रॉफिट मिलता है और जब वो डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है तो मिस्टर बी के ऊपर शैतान आ जाता है, वो कहता है कि नहीं जी, हमारी तो बात हुई थी 40-60 की, तो यहाँ पे तो खड़े हो जाएंगे, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है, आपके पास जो पार्टनरशिप कंसर्न होती हैं, वैसे मेरे हिसाब से, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मोस्टली पार्टनरशिप जो नजर आएगी आपको वो अनरजिस्टर्ड ही होती है, ठीक है। उनके ऊपर तो फिर लॉ शॉ तो है नहीं, वो किसी बुक को तो फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या करेंगे, ज्यादातर फिर क्या करते हैं, वो एक अग्रीमेंट बना लेते हैं आपस में, ठीक है, और वो उसको फॉलो करते हैं। और इसमें भी क्या चीजें लिखी हुई थी, इसमें भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं पार्टनरशिप के बारे में, कि भाई कितना शेयर होगा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो इंशाल्लाह हम पार्टनरशिप करते हुए पढ़ लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई उस्मान, बात होगी, बात क्लियर, पार्टनरशिप डीड, यस, ठीक है, इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड, या कि रिटन अग्रीमेंट होती है, राइट, क्लियर होगी बात। तो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी भी फिर आपके पास एक ऐसी चीज है जो कि अब डिफरेंट है, ये आपको सोल ट्रेडर में नजर नहीं आएगा क्योंकि सोल ट्रेडर में तो एक ही बंदा था, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी जो है ये खतरनाक चीज भी हो सकती है कि आपको फिर नेचुरली सी बात का ख्याल रखना है ना कि आप फिर बिजनेस किससे किसके साथ किन लोगों के साथ शुरू कर रहे हो, राइट, क्योंकि आपको भी ये पता लग गया है कि एक बंदे का जो एक्शन है वो सारे पार्टनर्स को लीगली बाइंड कर देगा, इज दैट क्लियर, ठीक है। अच्छा, इधर से फिर देख लेते हैं बाकी। द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर पर्सनली लायबल फॉर द अनपेड डेट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, ये हम कर चुके हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप आर शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स इन एन अग्रीड वे, ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली एक अग्रीड एक रेशियो होता है कि भाई कितने रेशियो में हमने पार्टनर जो प्रॉफिट डिवाइड करने, और ये रेशियो नॉर्मली हमें कहाँ मिलते हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर डाइज द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, अच्छा ये मुझे सोल ट्रेडर में भी ये बात बतानी थी, अभी हम करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू द पार्टनर्स, एसेट्स ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स कैन एक्सट्रैक्ट कैश एंड अदर एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस, दीज आर नोन एज ड्रॉइंग्स, ठीक है, ड्रॉइंग कर सकते हैं। बिजनेस में भी फाइनेंस बाय मिक्सचर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ऐसी बात है, पार्टनर्स जो है या तो वो कैपिटल अपने जेब से इन्वेस्टमेंट करेंगे या हो सकता है किसी से लोन लेके इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। पार्टनरशिप, ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स का टर्म है समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है, इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। पार्टनरशिप में एम्प्लॉय मेनी पीपल, उस्मान अगर देखो पार्टनरशिप 20 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, उसका फिर स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, उनको फिर वो मतलब वो यहाँ से उसको कंपनी में रजिस्टर कराना पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट, एंड ये लीगल एस्पेक्ट है उसका कि उसमें फिर क्या होगा अगर इफ 21 पीपल वांट टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप तो क्या करेंगे उसको, अगर तो रजिस्टर्ड है तो देखो वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल बात है ना, रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब आपको अथॉरिटी से वो रजिस्टर करवाना है तो वो अथॉरिटी तो सीधा सीधा मना कर देगी, वो कहेगी कि अगर आपको ज्यादा लोग करना है तो फिर आप कंपनी बना लो, प्राइवेट कंपनी स्टैब्लिश कर लो, पार्टनरशिप स्ट्रक्चर मत रखो उसका, राइट, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास ये आ जाता है, अ पार्टनरशिप कैन बी सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, मैंने आपको बताया गोइंग कंसर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मतलब बस ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस को भी पार्टनर्स ऐसे चलता फिरता उठा के किसी और को बेच सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कल शायद वाली बात डिस्कस नहीं हुई थी, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप ये दोनों एंटिटीज ऐसी हैं कि इसमें जैसे ही ओनर की डेथ हो जाती है बिजनेस खत्म हो जाता है, ठीक है। सोल ट्रेडर में भी आपको ये नजर आएगा कि आपका क्या है, ऑब्वियसली वो देखें लीगल एयर्स जो वारिस होते हैं वो तो बात आती है, वो किसी और के नाम बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है।
तो वो भी फिर एक थोड़ा लीगल एस्पेक्ट आ जाएगा. लेकिन हम कहते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए की कोई दुकान थी, ठीक है, एंड ही वाज अ सोल ट्रेडर, और उनकी कोई दुकान थी, एंड व्हेन मिस्टर ए वुड डाई, तो हम क्या कहेंगे कि उनका जो बिजनेस है वो खत्म हो गया. परपेचुअल सक्सेशन का ना होना होता है इसको, ठीक है, इसको हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन नहीं है उसमें, ठीक है. यहाँ पे मैं बता देती हूँ, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल का मतलब ये है कंटिन्यूटी में रहना, ठीक है. यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, और ये चीज आपकी सोल ट्रेडर में भी मौजूद होती है. परपेचुअल का मतलब ये कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूस, राइट. तो आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यूड नहीं रहेगा. ये हम इंट्रो में पहले पढ़ते थे कि अगर कोई पार्टनर डाय की डेथ हो जाती थी तो क्या ट्रीटमेंट होती है. तो बेसिकली होता क्या है, भले जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए बी और सी पार्टनरशिप कर रहे थे, बिजनेस कैरी आउट कर रहे थे, और उसमें फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सी की डेथ हो जाती है, राइट, और मिस्टर ए और बी ये डिसाइड करते हैं कि हम बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे. लेकिन उसके बावजूद हम क्या कहते हैं कि ये वाली जो फर्म थी ना, ए बी एंड सी, ये वाली जो फर्म थी ये क्या हो गई, ये खत्म हो गई, ये वाला बिजनेस खत्म हो गया, और अब एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है ए एंड बी, राइट. तो इन एनी केस आपने क्या कहना है, भले वो बिजनेस कंटिन्यूड रहता है डेथ के बाद भी ओनर के, हम ये कहेंगे कि लीगल सेंस में क्या मतलब हुआ कि वो पुराना वाला बिजनेस आपका हो गया खत्म. इज दैट क्लियर उस्मान? ठीक है जी. तो ये आपके कुछ फीचर्स हैं, स्टडी टेक्स्ट है, आप इसको पढ़िएगा, और आज मैं इंशाल्लाह एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है, इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. बेसिकली अभी इसके ऊपर मैं आती हूँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर, तो वो आपको बात क्लियर हो जाएगी. फिर हम आते हैं कंपनी पे, ठीक है. अब कंपनी जो है वो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप्स के कंपेयर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है. वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, वो एक बड़ा स्ट्रक्चर है. नेचुरली सी बात है, आप जितनी भी कंपनीज को के बारे में आप जानते होंगे, नेस्ले हो गई, यूनिलीवर हो गई, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनका जैसे ही वैसे हम किसी कंपनी के बारे में नाम सुनते हैं ना कि फलानी कंपनी है, तो हमारे दिमाग में आ जाता है, ओ अच्छा इसका मतलब है काफी बड़ी कंपनी है, राइट, काफी बड़े इसके पैमाने पे ऑपरेट कर रही होगी, मुख्तलिफ शहरों में इसके ऑफिसेज होंगे, बहुत सारी इसकी सेल्स होती होंगी, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे. तो होता भी इसी तरीके से, वैसे कंपनी भी आप लॉ में पढ़ोगे, मर्केंटाइल लॉ में, और कंपनी लॉ के अंदर, मर्केंटाइल लॉ में तो खैर नहीं, कंपनी लॉ में आप ये पढ़ेंगे कि कंपनीज भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, प्राइवेट पब्लिक, पब्लिक में भी फिर दो किस्मों की, अनलिस्टेड लिस्टेड, राइट. तो कंपनीज का जो बेसिक फीचर्स है वो हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, बाकी लीगली स्पीकिंग कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं इस कंपनी में, फलानी कंपनी में, हर कंपनी में डिफरेंट उसके रूल्स हैं, तो वो फिर आप उसकी जो निटी ग्रिटीज हैं वो आपसे लॉ में ही करेंगे, अकाउंटिंग में उसका कोई इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है. सिर्फ हमें जनरल फीचर्स उसके पढ़ने हैं, राइट. तो कंपनी के अंदर जो मेजर फीचर है वो यही है कि भाई इसमें भी मोर देन वन ओनर होगा, ठीक है. वैसे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर मतलब सिंगल ओनर कंपनी के बारे में भी पढ़ सकते हैं. इफ डेथ पर्सन सी फॉर डेथ मेक एनी एग्रीमेंट आफ्टर डेथ लायबल. आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन उस्मान. अगर सी की डेथ हो रही है और डेथ से पहले उसने कोई अग्रीमेंट की है, तो उसके बाद क्या वो लायबल, ऑब्वियसली हाँ, रिमेनिंग पार्टनर ऑब्वियसली वो बाउंड तो होंगे ना, बिल्कुल बाउंड होंगे वो, क्योंकि अब देखो बेचारे सप्लायर को तो नहीं पता था ना कि क्या हो रहा है, वो उसकी डेथ होने वाली है, उसको तो उसके पैसे चाहिए फॉर एग्जाम्पल. अब फिर उसमें हो सकता है मिस्टर सी के लीगल जो वारिस हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि जो सी ने एग्रीमेंट की थी उससे ए बी और सी तीनों बाउंड हो रहे थे ना, लीगली बाउंड हो रहे थे, बाइंड हो रहे थे, राइट, बिल्कुल. लेकिन रिमेनिंग पार्टनर्स पे लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है.
सही है, चले कंपनी पे आए। और कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? ठीक है, चले सही है। तो कंपनी के बारे में इतना तो हमें पता लग गया कि आपके पास ओनर्स जो हैं वो नॉर्मली नॉर्मली मेजोरिटी कंपनीज में एक से ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, अब मुझे कंपनी लॉ का मुझे आइडिया नहीं है कि अभी क्या अलाउड है सिंगल मेंबर कंपनी या नहीं, लेकिन आप फ्यूचर में जाके आप इंशाल्लाह लॉ में ये बात पढ़ सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से अगेन हम बिल्कुल बेसिक चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसमें इतना नहीं जाना लॉ क्या है उसका, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो हमारे पास जो इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है, वो फीचर है उसको हम ये कह सकते हैं। अब एक नई चीज हम पढ़ रहे हैं, शेयर्स। और जो ओनर्स हैं उनको क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। बेसिकली ये जो आपका शेयर होता है ये क्या होता है? दिस इज सिंपली अ सर्टिफिकेट, एक रसीद टाइप की आप समझ लें, जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि मिस्टर फलाना ही ओन्स इतने शेयर्स इन अ पर्टिकुलर कंपनी, राइट। तो जहां पे भी शेयर्स की बात आ जाए आप समझ जाएं कि इसका मतलब है कि कोई कंपनी इन्वॉल्व है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ओनर को कहेंगे सोल ओनर, राइट, सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप के केस में हम ओनर्स को क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहते हैं। और कंपनीज के केस में हम ओनर्स को कहते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब कंपनी के अंदर आपका जो है बेसिक जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो तो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको कि आपके पास जो ओनर जो शेयर होल्डर्स हैं और बिजनेस है, दे आर सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, अब यहां पे एक चीज का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, आर सेपरेट एंटिटीज, दे आर सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, वो वाली चीज तो ऑब्वियसली यहाँ पे अप्लाई होगी। अब यहाँ पे जो चीज अप्लाई नहीं होती, क्या हो रहा जो चीज कंपनी में अब डिफरेंट है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट अब ये एक चीज डिफरेंट हो जाती है। और इसमें हम ये कहेंगे, नहीं उस्मान, ये अकाउंटिंग में बच्चे चीज नहीं आती, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह में हमें टाइम नहीं जाया करना, ये आपने लॉ में पढ़ना है। ठीक है, ये कंपनी किस तरह से बनती है, क्या क्या उसमें लीगल, इसीलिए मैंने आपको भी मेंशन कर दिया। हम लॉ नहीं पढ़ रहे, हमें अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सिर्फ बेसिक इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में समझना है। ठीक है, तो ये प्लीज आप उसमें अकाउंटिंग में टाइम जाया भी मत करना ये चीजें लिखने में और याद करने में।
दीज आर नॉट रेलेवेंट। लॉ होता तो फिर मैं इंशाल्लाह वो करती। ठीक है, अब यहाँ पे आपके बारे में क्या कह रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट है, लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो हमारे पास सोल ट्रेडर और प्रोप्राइटरशिप में क्या हो रहा था, सोल ट्रेडर और प्रोप्राइटरशिप में हमारे पास ये सिचुएशन थी कि हमारे जो ओनर्स थे वो बेचारे बिल्कुल गई गुजरी हालत में भी पहुंच सकते हैं बिकॉज ऑफ द बिजनेस, वो सब उनका घर भी बिक सकता है, गाड़ी भी बिक सकती है, एवरीथिंग राइट। लेकिन कंपनी के केस में जो ओनर्स हैं वो थोड़े सेफ हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका कितना पैसा डूब सकता है, कितनी उनकी वेल्थ डूब सकती है, सिर्फ उतना अमाउंट जो कि उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी कोई ठप हो जाती है, बिल्कुल उसका दिवालिया निकल जाता है, बैंकरप्ट हो जाती है, बिजनेस चल नहीं रहा, बिजनेस को बस खत्म करना पड़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा उनका कितना पैसा वेस्ट होगा, कितना पैसा डूबेगा, वो पैसा जो कि उन्होंने एज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बिजनेस में लगाया हुआ है ना, उनके पर्सनल लाइबिलिटीज पर्सनल सॉरी एसेट्स को कोई हाथ लगाएगा कि भाई नहीं पैसे दो निकालो सप्लायर के पैसे, नहीं। कंपनी के अगर कोई अनपेड डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं तो वो आप सिर्फ अमाउंट ऑफ कैपिटल से ही उसको रिपे कर सकते हो। शेयर होल्डर्स विल नॉट बी फोर्स टू सेल देयर पर्सनल एसेट्स इन ऑर्डर टू सेटल द अनपेड डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट। तो ये एक चीज है जो कि आपकी कंपनी और सोल ट्रेडर और प्रोप्राइटरशिप के दरमियान आपका डिफरेंस है, राइट। तो अपेरेंटली ये पॉइंट तो आपका बड़ा बेनिफिशियल है, लेकिन इसके अलावा जो फिर आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं ना, उसकी वजह से कंपनी इज बेसिकली थोड़ी मुश्किल से फॉर्म होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट, जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वजह से स्टार्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है और डिजोल्व करना यानी कि खत्म करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत पैसे लगते हैं, बहुत ही रिक्वायरमेंट्स को फॉर्म फाइलिंग हो रही होती है, परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, राइट। तो इसको हम लेमैन टर्म्स में ये बात कह सकते हैं कि कंपनी को स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। सोल ट्रेडर प्रोप्राइटरशिप में बड़ा आसान होता है, उसमें बस ये होता है कि अच्छा ओवरनाइट डिसाइड किया पार्टनर फ्रेंड्स ने कि हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कल सुबह से स्टार्ट भी कर दिया, ऑपरेशन शुरू कर दिए। देर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट एट ऑल, बट कंपनीज के केस में लीगल रिक्वायरमेंट आपके पास बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के अंदर आपको इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नजर नहीं आएंगी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग के हिसाब से कोई आपको फोर्स नहीं करेगा जी आपने रिपोर्ट बनानी बनानी है, लेकिन कंपनीज के अंदर क्या होता है, कंपनीज के अंदर आपके पास रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अपना नहीं लिखा हुआ, ठीक है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को जी प्रॉपर वर्डिंग इंशाल्लाह आपको डॉक्यूमेंट में नजर आ जाएगी। सिर्फ समझने के रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम की हम चीज इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। ये रिपोर्ट्स होते हैं जो आप सारी अकाउंटिंग कर रहे हो पूरे साल में, वो उसकी आपने एंड में एक समरी रिपोर्ट निकालनी है, और कंपनी के लिए जरूरी हो जाता है कि उसने वो रिपोर्ट बना के भेजनी है। अब हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर हमें नजर आ रहा है कि जी हमने ये दो पॉइंट्स पढ़े कि लगता है कि बड़े ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो जिस तरह आईकैप है हमारे पास, और आईकैप ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हो गए, मेंबर्स हो गए, राइट, इन दोनों जो पार्टीज हैं इन लोगों से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, मॉनिटरिंग कर रहा होता है, राइट। तो जहां पे आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं वहां पे एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो कंपनी के लिए क्या है मॉनिटरिंग अथॉरिटी पाकिस्तान में, कौन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, कौन नजर रखता है कंपनीज के ऊपर कि हाँ भाई ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर भी रहे या नहीं करे। आइडिया है उस्मान? बच्चे वो फिर आपको जो लग रहा है ना ये अहमद सन्स कंपनी, ये हो सकता है ये सोल ट्रेडर ने ऐसा कोई नाम रख लिया हो, ठीक है।
और जिसमें मैंने कहा सिंगल मेंबर कंपनीज भी होती हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे, इतने डेप्थ में नहीं जा रहे। मैंने यहाँ पे कहीं फीचर्स में भी नहीं लिखवाया ये कि जी ओनर्स हैं दे शुड बी मोर देन वन या लेस देन वन, जो भी ठीक है, क्योंकि वो फिर लीगली स्पीकिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती है। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक चीजें कर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ क्या अथॉरिटी कौन सी है हमारी पाकिस्तान में जो कंपनीज के ऊपर नजर रखती है, आइडिया है आपको? ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। आई कैप तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि जिस तरह आई कैप हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एक मॉनिटरिंग बॉडी है, तो इस तरह, और जिस तरह आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें एचईसी इन्वॉल्व होता है, राइट, इंटरमीडिएट बोर्ड इन्वॉल्व होता है। तो ये बोर्ड क्या है? अथॉरिटीज हैं जो कि नजर रखती है सारी चीजों के ऊपर। तो कंपनीज के ऊपर नजर रखने वाली बॉडी को कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, शॉर्ट फॉर्म है उसका SECP। ये मॉनिटरिंग बॉडी है किसकी? कंपनीज की। लॉ में आप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप इसका नाम सुन लें, देख लें, ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, राइट। तो आपके पास कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज क्या आ जाती है कि आपके पास इतना ज्यादा कोई जो मेजर जो प्लस पॉइंट है कंपनीज का, वो यही है कि आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, आपकी लाइबिलिटी हो जाती है क्या? लिमिटेड, राइट। इसके अलावा हमारे पास सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में क्या फीचर था कि जैसे ही ओनर की डेथ होती है क्या होता है? बिजनेस खत्म हो जाता है, राइट। बिजनेस की जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है। कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप मुझे सोच के बताएं, आप जैसा नेस्ले है, यूनिलिवर है, ये कंपनीज कितनी पुरानी चली आ रही है, राइट, पता नहीं कब की ये इनकॉर्पोरेटेड है और बहुत साल हो गए, ठीक है। अब इनके जो ओनर्स हैं वो भी जाहिर सी बात है इतना लंबा टाइम तो नहीं वो जिंदा रहे होंगे। जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने उनमें शेयर खरीदे हैं, शेयर होल्डर्स कोई ना कोई डेथ तो हुई होगी, अच्छी, राइट है, राइट है। लेकिन हमने कभी ये सुना है कि नेस्ले या यूनिलीवर जो है वो खत्म हो गई बिकॉज वन ऑफ द शेयर होल्डर्स डाइड? हमने ये बात कभी सुनी नहीं है कि हमने ये कहते हैं कि कंपनीज के केस में परपेचुअल सक्सेशन होती है, राइट। तो कंपनीज के केस में एक जो आपके पास वो एडवांटेज है वो यही है कि अगर आपके आपने एक कंपनी अगर आपकी कंपनी के शेयर होल्डर हो, ओनर हो, तो आपको इस बात की फिक्र नहीं होगी कि अगर मेरा कोई फेलो शेयर होल्डर डाय की डेथ होती है तो फिर वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी, कंपनी को खत्म करके नए सिरे से दोबारा शुरू करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। तो इसमें हम एक ये फीचर लिख देते हैं कि अ कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है जी, बात क्लियर है उस्मान? अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक काम ये करती हूँ, मेरे पास अभी टाइम पड़ा हुआ है तो मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला भी जो डॉक्यूमेंट है वो मैं लैपटॉप से अपने ट्रांसफर करके आपके सामने भी खोलती हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आप प्लीज ऑनलाइन ही रहना, मैं स्क्रीन शेयरिंग जो अभी बंद कर रही हूँ। आज बस हमें ये टॉपिक क्लोज करना है, थ्योरी का फिर हमारे पास सिर्फ देख, कोशिश करती हूँ कि थ्योरी काफी मटेरियल ही हमारी कवर हो जाए ताकि हम कल से जो है, कल नहीं तो परसों से हम डबल एंट्री अपनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके LMS पे अपलोड कर दूंगी। अब देखें हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो किस तरह से पढ़ी हैं, वो हमने देखा है कि जी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोल ट्रेडर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ व्हाट, ऑफ अ पार्टनरशिप, राइट। अब सवाल ये आ जाता है कि अगर क्वेश्चन में ये बात आ जाए कि
व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सोल ट्रेडर फॉर एग्जाम्पल, राइट। अगर इस तरह की कोई बात आ जाती है, हमने तो फीचर्स पढ़े हैं, तो हमने तो डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस पढ़े ही नहीं उस तरीके से, तो फिर हम किस तरह से करेंगे? आपने करना क्या है, जितने भी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, आपको याद है, आपने पढ़े हैं, आपने उनमें देखना है कि किसको को कौन सी ऐसा फीचर है जो कि एक नेगेटिव, जिसकी टोन है जिसमें कोई नेगेटिविटी है, कौन सा ऐसा फीचर है जिसमें कोई एक पॉजिटिव टोन है, कोई बेनिफिट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही वाली चीज अब ऑल ओवर अगेन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सोल ट्रेड सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो आपके सामने ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको नजर आ रहे हैं। ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोल ट्रेडर है, ठीक है। 5 ये और 7 ये, 12 के 12 पॉइंट क्या है, ये सारे के सारे फीचर्स भी कहलाएंगे। मैंने सिर्फ किया क्या है कि जो थोड़े नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको मैंने डिसएडवांटेज में क्लासिफाई कर दिया, जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको मैंने एडवांटेज में क्लासिफाई कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल द प्रॉफिट बिलोंग टू द ओनर, ये हम पढ़ चुके हैं कि सोल ट्रेडर में सारे का सारा प्रॉफिट ओनर को बिलोंग करता है, उसको मैंने एडवांटेज में क्यों डाला, ओनर को शेयरिंग नहीं करनी पड़ती प्रॉफिट की, राइट। सारा का सारा मुनाफा किसका है, उसका अपना है। फिर हमने ये बात भी पढ़ी कि देर आर नो लीगल रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ अ बिजनेस। सिर्फ कंपनी के केस में क्या है कि बहुत स्टार्टअप बड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो देर आर नो फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ अ बिजनेस, अगेन एन एडवांटेज, राइट। स्टार्टअप कॉस्ट और लो, स्टार्टअप कॉस्ट से मुराद ये कि शुरू करने बिजनेस शुरू करने के कॉस्ट हैं वो या तो जीरो होते हैं या बहुत मिनिमम होते हैं, आपको कोई लीगल फीस वगैरह नहीं पे करनी पड़ती, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती किसी अथॉरिटी से, राइट। इट इज इजी टू वाइंड अप अ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि बिजनेस को खत्म करना भी उतना ही आसान है जितना शुरू करना, राइट। द ओनर कंट्रोल ऑल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ये भी एक फीचर है और ये एक एडवांटेज है कि फिर ओनर को किसी से हेल्प नहीं लेनी, ओनर को किसी को इन्वॉल्व नहीं करना डिसीजन मेकिंग में, सारा का सारा ही इज बेसिकली हिज ओन बॉस। द बिजनेस कैन बी सोल्ड टू अनदर पर्सन एज अ गोइंग कंसर्न, द ओनर कैन एक्सट्रैक्ट कैश एंड अदर एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस, राइट। ये सारे फीचर्स हमने पढ़े हैं। डिसएडवांटेज में क्या होगा, अगर प्रॉफिट सारे के सारे ओनर के हैं तो लॉसेस भी किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ उस सोल ओनर के हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, जो रिस्क है बिजनेस कंडक्ट करने का, बिजनेस कंडक्ट करने का रिस्क क्या है कि पता नहीं चले ना चले, हो सकता है प्रॉफिट हो या ना हो, नियत तो है आपकी प्रॉफिट कमाने की, लेकिन आप प्रॉफिट कमा सकोगे या नहीं कमा सकोगे, दैट इज अनदर स्टोरी, राइट। यू विल ट्राई टू वर्क टूवर्ड्स अ प्रॉफिट, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट हो सकता है खसारा भी हो जाए, बिजनेस ठप हो जाए। तो ये जो रिस्क है बिजनेस ठप होने का सारा किसका रिस्क है, कौन बेयर करता है, ये ओनर बेयर करता है, राइट। तो अगर कोई खसारा हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो वो भी किसके खाते में जाता है, किसके रिकॉर्ड में जाता है, वो जाता है सिर्फ सिर्फ एक बंदा, वो पूरा लॉस जो है वो बेयर करता है, राइट। फिर एक और चीज हमने क्या यहाँ पे एडिशनल डाल दी, इन्हीं फीचर्स को मैनिपुलेट करते हुए हमें ये पता है कि एक बंदा ओनर है, राइट। द ओनर इज जस्ट वन पर्सन, तो जाहिर सी बात है वो कितना पैसा ज्यादा से ज्यादा ला सकेगा, राइट, अनलेस कि वो बहुत रिच है। तो हम क्या कहेंगे, द कैपेसिटी टू रेज कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो कोई ओनर जिससे बिजनेस शुरू करे, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करे, राइट, उसको कैपिटल कहते हैं। आगे जाके ये रट जाएगी बात, राइट। द कैपेसिटी टू रेज कैपिटल इज लिमिटेड सिंस देयर इज ओनली वन ओनर टू फाइनेंस द बिजनेस, लेकिन फाइनेंसिंग जो है वो आप लोन्स के थ्रू भी कर सकते हो, राइट, लेकिन उसमें भी ऑब्वियसली आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगी लोन की, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग एफिशिएंट बिजनेस डिसीजन लाइज विद द सोल ओनर, अब ठीक है वो बिजनेस डिसीजन एक ही बंदा कर रहा है, लेकिन वो भी तो एक रिस्की चीज है, राइट। अब एक बंदे में ऑब्वियसली हो सकता है इतनी एफिशिएंसी ना हो, राइट, तो वो एक आपके पास एक चीज आ जाती है कि हो सकता है वो इतने अच्छे डिसीजन ना ले सके। द ओनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि द ओनर ऑफ द बिजनेस इज पर्सनली लायबल फॉर एनी अनपेड डेथ एंड अदर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, तो ये हमारा नेगेटिव उसमें, ठीक है। देयर इज नो परपेचुअल सक्सेशन, द बिजनेस सीजेस टू एग्जिस्ट अपॉन द डेथ ऑफ द ओनर। अच्छा यहाँ पे जरा आगे मैंने देखे, देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस, हमने क्या पढ़ा, सेपरेट स्टेटस है, सेपरेट एंटिटीज है, सॉरी स्टेटस सेपरेट नहीं है, दोनों अलग अलग एंटिटीज तो हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम ये बात पढ़ते हैं,
लेकिन वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो होता है कि रिकॉर्डिंग फिर दोनों की अलग अलग होनी है, ट्रांजैक्शंस की और इवेंट्स की और सारी एक्टिविटीज की, ठीक है। यानी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखूंगी, बिजनेस लाइफ को सेपरेट रखूंगी, रिकॉर्डिंग उसकी सेपरेट होगी, हिसाब किताब अलग मेंटेन होगा। लेकिन लीगली स्पीकिंग हम क्या कहते हैं, जैसे ही कोई ये टेंशन वाली बात आ जाती है ना अनपेड डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस की, फिर हम बोलते हैं फिर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, लीगल डिस्टिंक्शन दोनों में कोई भी नहीं है। कि अगर मुझे कोई कोर्ट ऑफ लॉ, कोई एक्शन लेना हो किसी बिजनेस के अगेंस्ट जो कि सोल ट्रेडर है, मुझे किसी बिजनेस को सू करना हो, तो मैं किसको पकड़ूंगी, सोल ओनर को पकड़ूंगी उसके, कि भाई आपका बिजनेस था, मैं तो बिजनेस को तो सू नहीं कर सकती, मैं आपको सू करूंगी। अब क्यों, क्योंकि आप सोल ओनर हो। बात समझ आ रही है? तो लीगल डिस्टिंक्शन कोई नहीं है, लेकिन सेपरेट एंटिटीज जरूर है, ठीक है। एग्जिस्टेंस दोनों की सेपरेट है, लेकिन लीगल एक्शन के लिए, इस तरह के कोई मामलात के लिए हम कहेंगे कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन, ओनर एंड द बिजनेस आर वन। राइट, क्लियर हो गई बात उस्मान? फिर हम आते हैं नीचे पार्टनरशिप के केस में। अब एडवांटेजेस में क्या आता है, एडवांटेजेस में हम ये बात कह सकते हैं कि द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर मैनेज्ड बाय मोर देन वन पर्सन, ठीक है। एक से ज्यादा बंदा अफेयर जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, बिजनेस डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। अब जाहिर सी बात है, एक से ज्यादा लोग हो तो आपके पास इंटेलेक्चुअल इनपुट भी ज्यादा होता है, अच्छे अच्छे ज्यादा आइडियाज ज्यादा अच्छे जनरेट होते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सकती है। एंड देन पार्टनरशिप्स आर अगेन इजी टू सेट अप विद लो स्टार्टअप कॉस्ट, मोर देन वन पर्सन कंट्रीब्यूट इन द कैपिटल। तो जहां पे एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल जमा कर रहा था, वहां पे दो से तीन लोग जमा करें, तो नेचुरली सी बात है पार्टनरशिप में कैपिटल भी ज्यादा फिर अवेलेबल होता है, ठीक है। लॉसेस एंड रिस्क आर शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स, ये अभी एक ये बेनिफिट हो गया। चलो प्रॉफिट तो आपका शेयर होता ही है, लेकिन उसको मैंने लॉस में उसमें डिसएडवांटेज में डाल दिया। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे बेनिफिट क्या है, अगर लॉस होगा तो वो सारा का सारा किसी एक बंदे के उसमें हिट नहीं करेगा उसको, ठीक है। सदमा एक बंदे को नहीं मिलेगा, वो जो सदमा है लॉस का वो डिवाइड हो जाएगा। लॉसेस एंड रिस्क का नाउ शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, एंड पार्टनरशिप कैन बी सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। डिसएडवांटेज में क्या आ जाता है, अब जो प्रॉफिट है वो अब शेयरिंग उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो पार्टनरशिप के लिए मैंने उसको डिसएडवांटेज में डाल दिया, राइट। फिर द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड सिंस देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड द ओनर्स, ये वही वाली बात आ जाती है। अब क्योंकि एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, सो देयर मे बी डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टनर्स रिगार्डिंग बिजनेस मैटर्स, फटे छड़े हो सकते हैं, राइट। एंड वही वाली बात, सोल ट्रेडर वाला डिसएडवांटेज है, द बिजनेस सीजेस टू एग्जिस्ट इफ इवन इफ वन पार्टनर डाइज और रिटायर्स। तो अगर एक भी पार्टनर आपका बिजनेस छोड़ के चला जाता है या वो रिटायर कर जाता है, तो क्या होगा, आपका बिजनेस जो है वो सीज कर जाएगा, सीज टू एग्जिस्ट, राइट। क्लियर है बात उस्मान? कंपनी के केस में क्या है, एडवांटेजेस हैं, लिमिटेड लायबिलिटी इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ कंपनी, ठीक है। दिस इज बिकॉज देयर इज अ लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर्स एंड द बिजनेस, एंड हेंस द ओनर्स कैन नॉट बी फोर्स टू पे द डेट्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लीगल डिस्टिंक्शन भी आ गई, एक वैसी सेपरेट एंटिटी तो है ही है, अब कंपनी में क्या है, लीगली भी डिस्टिंक्ट है दोनों, ठीक है। अब हम दोनों को एक नहीं कह सकते। द बिजनेस हैज एन एक्सेस टू अ लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। कंपनीज हैव परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। और रिस्क एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय मोर देन वन ओनर्स, और मैंने आगे लिख दिया है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट, जहां पे सिंगल मेंबर कंपनी नहीं होती। ऑब्वियसली डिसएडवांटेज में क्या है, बहुत मुश्किल होता है सेटअप और वाइंडिंग करना, वाइंड अप करना, बहुत रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। ढेर सारी अभी आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ में, अंदाजा हो जाएगा आपको। बल्कि ये मेरे ख्याल से ये वाले सेक्शंस आपके शायद, ये वाले जो लॉ है, लॉ का पार्ट है, वो शायद आप फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है। तो शुरू शुरू में तो आप शायद स्टार्टअप वगैरह के बारे में पढ़ो, खत्म करते हुए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो शायद आपका फाइनल लेवल पे सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स मे बी कॉम्प्लेक्स, और ये नॉर्मली कॉम्प्लेक्स होती है। SECP क्या बोलता है, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये फिगर भी बताओ, इस फिगर को एक्सप्लेन करो, ये ठीक से लिखो, वो ठीक से लिखो, तो बहुत मुश्किल होता है इसका, बड़े डेप्थ में इसके अकाउंट बनते हैं, ठीक है। कंपनी
कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड. अब एक ऑडिट की एडिशनल यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ गई. सोल ट्रेडर और प्रोप्राइटरशिप में ऑडिट करवाना जरूरी नहीं होता. ऑडिट क्या होता है? हिसाब किताब की चेकिंग. आप क्या करते हो? ऑडिटर्स को हायर करते हो. कंपनीज जो है वो पीरियोडिकली ऑडिटर्स को हायर करती हैं. ऑडिट फर्म जिस तरह हमारी केपीएमजी हो गई, फर्ग्यूसन हो गई, ईएनवाई हो गई, डेलॉयट हो गई, राइट, और बहुत सारी हैं पाकिस्तान में. तो इन फर्म के लोगों को हायर किया जाता है और वो फिर इन कंपनीज के अकाउंट्स को, हिसाब किताब को चेक करते हैं कि ठीक है नहीं है, और फिर वो ऑडिटर्स एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि हाँ भाई हमारे हिसाब से चीजें जो है वो ठीक जा रही है, ठीक है, अकाउंटिंग ठीक है. तो फिर एसएससीपी क्या होता है? तसल्ली में आता है. तो यानी कि एसएससीपी क्या बोलता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी बहुत सारी हैं, और एसएससीपी ये कहता है कि मुझे किसी थर्ड पार्टी से, किसी ऑडिट फर्म से जो है ना, अपने अकाउंट भी ऑडिट करवा के दो, ठीक है, मैं इसके बगैर नहीं मानूंगा. तो एसएससीपी बड़ी कड़ी नजर उसने रखी हुई होती है कंपनीज के ऊपर. और ऑडिट करवाने से क्या मतलब है कि फिर आप जैसी बात है ऑडिट फर्म को आपको पेमेंट भी करनी है, राइट. तो ये एडिशनल आपका खर्चा आ गया. अच्छा, फिर एक जो चीज है वो अभी मुझे डिस्कस करनी है. ये आखिरी चीज कर लेंगे जी. प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अमंग दी ओनर, ये आपका एक डिसएडवांटेज है. अब हम थोड़ा सा कंपनी का जो ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर है जरा उसके बारे में बात कर लें. क्या हो गया इसको? एसईसीपी, एसपीसी नहीं, आपने नोट नहीं किया मैंने लिखा था एसईसीपी. मैं बता देती हूँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, चलिए जी. अब आपके पास बेसिकली देखें होता क्या है. सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में जो आपके ओनर्स हैं, ओनर होता है या पार्टनर होता है, वही क्या हो रहा होता है, बिजनेस को मैनेज भी कर रहा होता है. अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि कंपनीज के अंदर कोई कैप, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है. तो मैंने थाउजेंड में भी, मतलब हंड्रेड में चले कर लेते हैं, थाउजेंड हंड्रेड वाली को एग्जांपल कर लेते हैं कि 100 शेयर होल्डर्स हैं किसी कंपनी के, हो सकता है, ठीक है, इट्स अ पॉसिबिलिटी. तो आपके अगर 100 शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि 100 लोगों ने शेयर आपकी कंपनी के खरीदे हुए हैं, आपके 100 क्या हो गए? ओनर हो गए. अब मुझे एक बात बताएं, जरूरी है क्या कि ये 100 के 100 सारे बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े एफिशिएंट लोग हो, बड़ी जबरदस्त डिसीजन मेकिंग करते हो, राइट. हमारा तो 3-4 ओनर्स में अगर कोई किस्सा हो जाता है तो वैसे ही इतने फड्डे हो जाते हैं. 100 लोग अगर एक बिजनेस को मैनेज करने पे आ गए तो फिर तो बिजनेस चल ही नहीं सकता. एक ओनर बोलेगा कि नहीं इस तरह से चलाना चाहिए, दूसरा ओनर बोलेगा नहीं इस तरह से कराना चलाना चाहिए, राइट. और हम क्या एक बात कर चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि ये 100 के 100 क्या हो, बड़े एफिशिएंट हो, बड़े पढ़े लिखे हो, राइट. तो होता क्या है, कंपनीज में जो शेयर होल्डर्स या ओनर्स होते हैं ना, ये बिजनेस को मैनेज नहीं करते, ठीक है. बिजनेस की मैनेजमेंट इनके पास नहीं होती. तो फिर कौन से ले रहा होता है डे टू डे डिसीजन? कौन ले रहा होता है डे टू डे डिसीजन? ले रहा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसको कहते हैं हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है. तो होता क्या है, साल में एक दफा ये सारे शेयर होल्डर्स, 100 शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होती है, ठीक है. शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है एटलीस्ट वंस अ ईयर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग. ये सब आप लॉ में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, टेस्ट नहीं होगा ये, ठीक है. एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एजीएम. इस एजीएम में क्या होता है, ये जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, ये अपॉइंट करते हैं क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है.
इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं उस मीटिंग में, बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है। तो शेयर होल्डर्स अपने बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, कितने लोग होंगे बोर्ड में, वो आप लॉ में पढ़ेंगे, मैं अब उसमें जा ही नहीं रही। ठीक है, डिफरेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास वो 5, 6, 7, 8 जितने भी लोग हैं उनको उन्होंने अपॉइंट किया और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप हमारे बिहाफ पे हमारी कंपनी को क्या करेंगे, चलाएंगे, राइट, मैनेजमेंट करेंगे। और हम क्या करेंगे, 1 साल के बाद हम दोबारा मिलेंगे और हम आपसे पूछेंगे कि भाई आपने हमारी कंपनी में क्या क्या डिसीजंस किए और क्यों की। बात समझ आ रही है? तो मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और ये किसने उनको इंटरेस्ट की है, शेयर होल्डर्स ने, यानी कि वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे बिजनेस को चला रहे हैं। बात क्लियर है? और हर साल, साल में एक दफा ये सब मिलते हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं, जवाब देते हैं कि जी हमने ये डिसीजन लिया क्योंकि ये, हमने इतना प्रॉफिट कमाया क्योंकि, लॉस कमाया क्योंकि, क्यों हुआ लॉस, क्या करेंगे अब इसको ठीक करने के लिए, आपने क्यों गलत डिसीजन लिए, क्या गलत डिसीजन लिए, अब क्या करेंगे आगे जाके, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बात समझ में आ रही है? तो अब सिचुएशन क्या है, अब देखें, ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट इस वजह से भी आ जाती है। अकाउंटिंग वगैरह सब कौन कर रहा है, सब कौन, सारे सारे अफेयर्स किसके हाथ में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। तो अब देर इज एन अंडरलाइंग, एक क्या कहते हैं, रिस्क है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो फ्रॉड में इन्वॉल्व ना हो, वो ये ना हो कि वो शेयर होल्डर्स की आंखों में धूल झोंक रहे हो, राइट, उनको बेवकूफ बना रहे हो, उनके बिहाफ पे उनका पैसा खा रहे हो या जो भी। तो आपको इस चीज को अवॉइड करने के लिए भी ऑडिट करवाना फिर लाजमी हो जाता है। ऑडिट से क्या होता है, एक थर्ड पार्टी आके चेक करती है कि जो आपके मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने क्या अकाउंटिंग ठीक ठीक की है या नहीं की, राइट, क्लियर होगी बात। तो वो जो ऑडिटर है वो आके फिर ठप्पा लगा देता है, वो एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है कि नहीं जी एवरीथिंग इज फाइन। तो उससे फिर क्या होता है, शेयर होल्डर्स की भी तसल्ली हो जाती है और SECP की तसल्ली भी हो जाती है। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी तसल्ली हो जाती है। टेंशन ना लें, ये सब चीजें आप लॉ में पढ़ेंगे, दिस इज नॉट रेलेवेंट टू अकाउंटिंग, जितना मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ वही काफी है। ठीक है, क्लियर होगी बात। जी ठीक है, तो आपके पास, आप चाहें तो इसी पूरे जो पेज का जो है ना रटा मार ले, ठीक है, सारे पॉइंट्स को याद कर ले। सवाल में अगर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आता है तो तब भी आप यही पॉइंट्स लिख सकते हैं, राइट। सवाल के अंदर एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस आएगा तो आपने इन्हीं को हेडिंग्स में डिवाइड करके लिख देना है। ठीक है, तो ये मैं इंशाल्लाह अभी जो है वो अपलोड कर दूंगी। यही तक रखते हैं क्लास को, कल इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे कि जी फिर हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स क्या हैं, अकाउंटिंग साइकिल को थोड़ा डिस्कस करेंगे, जरूरत किस किस को होती है अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है, यूजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारा थ्योरी का एलिमेंट जो है वो हो जाए कंप्लीट। जी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी उस्मान, क्लियर है? कल इंशाल्लाह 9:40 तक होगी क्लास, ठीक है। जी उस्मान, क्लियर है बात सारी? चलें ठीक है, ओके, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।